आम चुनाव 2014 के सबसे बड़े पांचवें चरण के लिए 12 राज्यों की 121 सीटों पर भारी मतदान। लगभग सभी राज्यों में 2009 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। कर्नाटक, ओडिशा और मणिपुर में लोकसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न। ओडिशा की शेष 77 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान संपन्न। बिहार में पाटलिपुत्र चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए राजद उम्मीदवार मीसा भारती समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राजपुर बिहटा पोलिंग स्टेशन पर चुनाव में गड़बड़ी को लेकर समूचे मतदान कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी चुनावी गठबंधन में दरारों की खबरों के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर चंद्रबाबू नायडू से बात करने के लिए पहुंचे हैदराबाद। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में की चुनावी रैलियां। जयललिता गुजरात के विकास मॉडल पर बरसी। राहुल ने फिर से भाजपा पर विभाजन की राजनीति का लगाया आरोप। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के इटावा और अकबरपुर में तथा मध्य प्रदेश के बैतूल और छेगांव माखन में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कानपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कहा है कि यूक्रेन संकट के समाधान के लिए सभी पक्ष सहमत हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय संघ के 18 देशों को पत्र लिखकर त्रिपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव दिया था। और खेलों में आईपीएल के 7वें संस्करण में आज चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा। वहीं एक अन्य मैच में सनराइज हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी।